और दोस्तों कैसे हो आप, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कर्व गेमिंग मॉनिटर्स के बारे में, और खासतौर पे हम आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं टॉप 5 ऐसे कर्व गेमिंग मॉनिटर जो कि जो है आपको 10,000 रुपये से 20,000 रुपये के प्राइस रेंज पर मिल जाएंगे, और इस प्राइस रेंज पर ये जो है आज की डेट में काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी आपको दे देंगे। और अगर आपका ही बजट जो है 10,000 रुपये से लेके जो 20,000 रुपये के बीच में अगर आप कोई गेमिंग मॉनिटर लेने के लिए सोच रहे हैं या खासतौर पर कर्व गेमिंग मॉनिटर लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जो है आप पूरा देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है हम इसी तरीके के जो है कर्व गेमिंग मॉनिटर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो कर्व गेमिंग मॉनिटर होते हैं तो उसमें जो है अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो काफ़ी आसानी हो जाती है आपको, अपनी गर्दन जो है ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करना पड़ेगी अगर आप बड़ी स्क्रीन पर जो है गेमिंग वगैरह करते हैं। तो कर्व गेमिंग मॉनिटर में जो है व्यू जो है काफ़ी अच्छा आपको दिखता है, तो जो है उसमें गेमिंग में भी आसानी होती है अगर आप जो है वीडियो एडिटिंग वगैरह का भी काम करते हैं या आप कोई भी काम करते हैं तो कर्व गेमिंग मॉनिटर जो होते हैं या जो कर्व मॉनिटर होते हैं उसमें आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अपने सबसे पहले मॉनिटर की, यानी जो सबसे कम प्राइस यानी 10,000 रुपये के लगभग में स्टार्ट होता है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा AOC की तरफ से आने वाला C24V1H। ये जो अगर हम इस मॉनिटर की बात करें तो ये जो है AOC की तरफ से आता है और एक 24 इंच का आपको जो है कर्व मॉनिटर मिल जाएगा। तो इस मॉनिटर की अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी। पीछे की तरफ इसमें आपको ये है जो आपको व्हाइट पैनल इसमें आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है 75 Hz का आपको इसमें आपको रिफ्रेश रेट और 4 ms का इसमें आपको रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा। ये एक जो है BA पैनल आपको मिलता है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपको फ्री टेक्नोलॉजी वगैरह भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप जो है 10,000 रुपये तक में अगर आप कोई मॉनिटर लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये इस समय जो है वन ऑफ द बेस्ट आपको मॉनिटर मिल जाएगा। इसमें आप जो इसका स्टैंड देखिए वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको जो है HDMI पोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें आपको जो है BGA पोर्ट भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो है एक फुल HD आपको जो है 24 इंच का जो है आपको एक मॉनिटर मिल जाएगा, और 10,000 रुपये के प्राइस रेंज पर ये आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी दे देगा, और तो आप जो है इस मॉनिटर के साथ जा सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर अपने अगले मॉनिटर की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एसर की तरफ से जो है 24 इंच का एक मॉनिटर। ये भी जो है BA पैनल के साथ आने वाला एक फुल HD मॉनिटर है, और इसमें आपको जो है 144 हर्ट्ज़ का इसमें आपको रिफ्रेश रेट और 4 ms का इसमें आपको जो है रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा। साथ ही साथ इस मॉनिटर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको AMD फ्री सिंक वगैरह ही मिल जाएगा, iCAD टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और इस मॉनिटर में आपको जो है अगर हम इसके कर्व की बात करें तो इसमें आपको जो है 1800R कर्वेचर इसका इसमें आपको मिल जाएगा, जिससे आपको जो है व्यू एंगल काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। और अगर हम इस मॉनिटर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको जो है एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा, एक इसमें आपको DVI पोर्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें जो है आपको ऑडियो का पोर्ट भी मिल जाएगा, डिस्प्ले पोर्ट भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और बॉक्स में आपको जो है HDMI केबल और डिस्प्ले पोर्ट की जो है केबल भी इसमें आपको साथ में मिल जाएगी। और इस मॉनिटर की अगर हम बिल्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छी बिल्ड, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी इसमें आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 13,000 रुपये मिलता है। तो अगर आप जो है 144 हर्ट्ज़ की अगर रिफ्रेश रेट की अगर आप गेमिंग करते हैं, अगर आप जो उस तरह कोई मॉनिटर लेने के लिए सोच रहे हैं 24 इंच का, साथ ही इसमें आपको जो है 4 ms का इसमें आपको जो है रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा, तो यहाँ पर कोई गिमिक वगैरह नहीं है, इसमें आपको जो है ट्रू 4 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा। तो आप जो है काफ़ी अच्छी जो है इसमें आप गेमिंग कर पाएंगे। इसमें भी आपको जो है 1800R कर्वेचर मिल जाएगा, और इसमें आपको जो है एसर की तरफ से आने वाली ब्लू लाइट शील्ड वगैरह भी मिल जाएगी, और 178° का इसमें आपको व्यू एंगल वगैरह मिल जाएगा। तो अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें तो जो है अगर आपका 12-13,000 रुपये बजट है, तो अगर जो है 12-13,000 रुपये के बजट में आप जो है अगर हाई रिफ्रेश रेट अगर आप गेमिंग करते हैं तो इसमें आपको जो है 144 Hz का इसमें आपको रिफ्रेश रेट वाला जो है आपको मॉनिटर मिल जाएगा, साथ ही इसमें आपको AMD फ्री सिंक वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी तो मिल ही जाएगी। तो ये मॉनिटर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा 13,000 रुपये के बजट में। अब हम बात करें यहाँ पर अपने अगले मॉनिटर की, तो अगर आप जो है 144 Hz के रिफ्रेश रेट और 1 ms रिस्पॉन्स टाइम में अगर आप मॉनिटर लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है सैमसंग के 24 इंच के मॉनिटर के साथ जा सकते हैं। ये लगभग आपको 15,000 रुपये के प्राइस रेंज पर मिलेगा, और 15,000 रुपये के प्राइस रेंज पर जो है आपको सैमसंग की तरफ से एक पैनल मिल जाएगा। इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो की अगर हम बात करें तो वो भी 3000:1 का इसमें आपको जो है कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाएगा, 1800R कर्वेचर मिल जाएगा, और सैमसंग का पैनल है तो इसमें आपको जो है पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बिल्ड और फिनिशिंग भी इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, साथ ही इसमें आपको जो है 144 Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा, AMD फ्री सिंक मिल जाएगा। तो अगर हम इस मॉनिटर की बात करें तो ये भी आपको जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। इसकी चाहे पैनल की बात कर लें, चाहे हम इसके जो है बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इसमें आपको बेजल्स भी जो है काफ़ी पतले इसमें आपको बेजल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर 15,000 रुपये का बजट अगर आप है और उसमें आप जो है
कोई अच्छा से अच्छे से पैनल के साथ अगर कोई मॉनिटर लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस मॉनिटर के साथ भी जा सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर अपने अगले मॉनिटर की, तो अगर आप जो है किसी अच्छे से लुक के साथ अगर कोई मॉनिटर लेने के लिए सोच रहे हैं, प्रॉपर गेमिंग लुक के साथ अगर कोई मॉनिटर लेने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा AOC की तरफ से आने वाला 24 इंच का कर्व मॉनिटर। इस मॉनिटर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1 ms का इसमें आपको रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा। अगर हम इस मॉनिटर की बिल्ड और फिनिशिंग की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा बिल्ड मिल जाएगा, 1500 R इसमें आपको कर्वेचर मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आप इसकी हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप इसको टिल्ट वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है फ्री सिंक का जो है प्रीमियम वर्जन इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस मॉनिटर की अगर हम पिक्चर क्वालिटी या व्यू एंगल वगैरह की बात करें तो काफ़ी अच्छे इसमें आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको दो है 2 HDMI पोर्ट मिल जाएगा और इसमें आपको जो है एक इसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और AMD फ्री सिंक जो है आपको इसमें प्रीमियम वाला मिल जाएगा, साथ ही इसमें आपको जो है फिरकर फ्री टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। और इसकी अगर हम बिल्ड की बात करें, आप इसके लुक को देखिए, बिल्कुल जो है एक एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आने वाला ये मॉनिटर आपको मिलता है। इसको आप जो है वॉल माउंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसमें स्टैंड से इसकी आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसको जो है आप टिल्ट भी कर पाएंगे। और इसके व्यू एंगल वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, साथ ही साथ अगर हम इसके कलर और कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो आप जो है 144 हर्ट्ज और 1 ms अगर रिस्पॉन्स टाइम के लिए अगर आप कोई मॉनिटर लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस मॉनिटर के साथ भी आप जा सकते हैं। ये भी लगभग आपको जो है 15,000-15,500 रुपए के प्राइस रेंज पर मिलता है और इस प्राइस रेंज में ये जो है काफ़ी अच्छा मॉनिटर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने जितने भी मॉनिटर बताएंगे उन सबका ही लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं, उससे जो है चैनल को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने अगले और पांचवें नंबर के मॉनिटर की, तो इस मॉनिटर की अगर हम बात करें तो अगर आप जो है थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन में 27 इंच की अगर स्क्रीन में अगर आप कोई मॉनिटर लेने के लिए सोच रहे हैं, साथ ही साथ आपको रिफ्रेश रेट भी 165 हर्ट्ज का चाहिए है, तो यहाँ पर आपको जो है लेनोवो की तरफ से जो एक कर्व गेमिंग मॉनिटर मिल जाएगा जो कि एक 27 इंच का मॉनिटर है और इसमें आपको जो है BA पैनल मिल जाएगा और ये फुल HD मॉनिटर है। साथ ही साथ अगर हम इसमें रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1 ms का इसमें आपको जो है रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा जो कि MPRT है, यानी मूविंग पिक्चर रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो है आपको AMD फ्री सिंक मिल जाएगा, एक डिस्प्ले पोर्ट और एक HDMI पोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ ऑडियो आउटपुट का पोर्ट भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो इसकी भी अगर हम बिल्ड की बात करें तो ये भी आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग के साथ ही आपको मिल जाएगा। कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी इसमें आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें भी आपको जो है AMD जो फ्री सिंक मिलेगा वो भी इसमें आपको प्रीमियम वाला मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आपको जो है 165 हर्ट्ज़ का मॉनिटर मिलता है और ये IKEA टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें तो इसमें आपको मिल ही जाती हैं। हाइट एडजस्टमेंट वगैरह भी इसमें आप कर पाएंगे, साथ ही साथ अगर आप इसको टिल्ट वगैरह भी करना चाहते हैं तो वो भी आप काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अगर हम इस मॉनिटर की बात करें तो एक HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट और एक इसमें ऑडियो पोर्ट के साथ आने वाला ये मॉनिटर आपको मिलता है। तो ये मॉनिटर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप जो है एक बड़ी स्क्रीन में हायर रिफ्रेश रेट और जो है 1 ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ अगर आप कोई मॉनिटर लेने के लिए सोच रहे हैं और 20,000 रुपये से कम के बजट में जो है आपको मिलता है, लगभग 18,000-18,500 रुपये के प्राइस रेंज पर मिलता है और ये मॉनिटर आपके लिए काफ़ी अच्छा मॉनिटर रहेगा अगर आप जो है 1080p गेमिंग करते हैं। तो ये वो पांच मॉनिटर थे जो कि आपके लिए हम लेके आए थे 10,000 से 20,000 रुपये के बीच में। लेकिन एक मॉनिटर और एक ऐसा है वो भी आपको जो है हम प्लस मॉनिटर आपको बताएं जो 20,000 रुपये से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन अगर हम उस मॉनिटर की बात करें तो वो आपको मिल जाएगा MSI की तरफ से आने वाला ऑप्टिक्स G27C4। तो इस मॉनिटर की अगर हम बात करें तो ये फुल HD मॉनिटर है, इसमें आपको 165 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, लेकिन MSI की तरफ से आता है। तो MSI आप जानते हो गेमिंग कंपोनेंट या गेमिंग जो बनाने में जो है मास्टर है। इस मॉनिटर की अगर हम बात करें तो चाहे आप इसकी बिल्ड की बात कर लो, चाहे कैसे भी अगर हम इसकी पिक्चर क्वालिटी या डिस्प्ले की बात कर लो, 1500R कर्वेचर के साथ ये मॉनिटर आता है। तो ये जो हमने एक एक्स्ट्रा आपके लिए लेके आया है, अगर आप जो है 1-2,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगा पाए, यानी लगभग 23,000 रुपये के प्राइस रेंज पर मिलता है और 23,000 रुपये के प्राइस रेंज पर ये जो है काफ़ी अच्छा आपको मॉनिटर मिल जाएगा 165 हर्ट्ज और 1 ms के रिस्पॉन्स टाइम के साथ। इसमें जो है आपको वाइट कलर गैमिट वगैरह भी मिल जाएगा और ये जो है आपको AMD फ्री सिंक वॉल माउंट वगैरह इसमें भी आपको जो है AMD फ्री सिंक प्रीमियम मिल जाएगा, साथ ही साथ वॉल माउंट वगैरह भी आप इसमें कर पाएंगे, ब्लू लाइट रिडक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें तो इसमें आपको मिल ही जाएंगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये मॉनिटर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जितने भी प्रोडक्ट बताए उन सबका ही लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप इनको परचेज कर सकते हैं, वहाँ से उससे जो है चैनल को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपके कोई सुझाव हो तो जो है नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।